हेलो गाइस, वेलकम टू रेड स्टार। आज आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अगर मैं जो टॉपिक बताऊँगा उनको आपने फॉलो कर दिया तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छे मुकाम तक आपको लेके जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो गाइस, अगर आप अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊँगा। एकदम ईजी ट्रिक है, उससे आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद मेरे बॉस को उस ट्रिक से इम्प्रेस किया और वो बहुत 100% इम्प्रेस भी हुए मेरे बॉस। और वीडियो में आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अपने आप शाम को जाते टाइम बॉस को डेली टास्क रिपोर्ट का मेल कैसे करते, उसका मैं पूरा फॉर्मेट आपको दूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं अपने ईमेल ड्रॉप बॉक्स का या फिर ड्राइव का आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है गाइज, तो वो मेल आपको मैं पूरा यहाँ लिख के बताऊंगा, पूरा उसको समझाऊंगा कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट रखना है, स्टार्टिंग में कैसे लिखना है, मैंने क्या काम किया दिन में वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एंडिंग में कैसे उसको करते हैं वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस जुड़े रहिए मेरे साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए। तो चलिए आपके नॉलेज को बूस्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वेब डिज़ाइनर हो, वेब डेवलपर हो, SEO हो का काम करते हो, या फिर आप QA हो, जो भी हो, आप अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो तो आपकी एक अच्छी हैबिट भी होगी कि आप एक डेली टास्क रिपोर्ट या अपने बॉस को मेल करते होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो मेरी बात मानिए, आज से ही उस काम को स्टार्ट कीजिए। अगर आप इस कंपनी में उस स्टार्ट को काम को स्टार्ट नहीं करते तो आगे जाके आपको दूसरी कंपनी में वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइज टाइम बहुत स्टैंडर्ड चल रहा है, इसमें आपको टाइम के साथ में चलना ही पड़ेगा गाइज। सो अब उसका टेंशन मत कीजिए कि आपके ग्रामर रॉन्ग है, आपको इंग्लिश में इतना नॉलेज नहीं है, चलेगा। आपको उतना उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धीरे धीरे आदत बनाइए, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। अगर आप स्टार्ट भी नहीं करोगे लिखना तो आपका ग्रामर या फिर इंग्लिश सही कैसे होगा। ठीक है गाइस, तो उसका कोई टेंशन मत कीजिएगा, आज से स्टार्ट कीजिएगा और अपने उस कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट कीजिए गाइस। क्योंकि ये आपके, अगर आप क्लाइंट के साथ में कोई कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, तो आप उसके फेस टू फेस तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्लाइंट फॉरेन के होते हैं। ठीक है, तो उसमें मोस्ट अपने कम्युनिकेशन होता है तो रिटन में होता है, मेल के जरिए होता है या फिर मैसेज के चैट में होता है। ठीक है, तो उसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अगर आपने कम्युनिकेशन अपने मेल के थ्रू अच्छा कर दिया, तो अगर आपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर दिया, अगर क्लाइंट इम्प्रेस हो गया तो समझो आपका बॉस इम्प्रेस क्यों नहीं होगा आपसे, क्योंकि आप उनको इतना अच्छा काम करके दे रहे हो, क्लाइंट इम्प्रेस हो रहा है, आप अच्छा टास्क भी कर रहे हो। सो गाइज, उसका टेंशन मत कीजिएगा, आप एक डेली टास्क रिपोर्ट मेल फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। सो गाइज, सो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि डेली टास्क रिपोर्ट का मेल अपने बॉस को कैसे राइट करते हैं अपने। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अपन को लिखने का हेलो सर या मैम, जो भी आपके बॉस है। ठीक है, उसके बाद उसको ग्रीटिंग मैसेज में करने का होप यू आर डूइंग वेल, और आप लिख सकते हैं कि विश यू हैव ए गुड डे, यू हैड ए गुड डे। ठीक है गाइज, अपने उसमें आप वेरिएशन भी ला सकते हैं, अपने अपने वाइज आपकी इंग्लिश के बेस पे आप उस पर वेरिएशन ला सकते हैं, आप उसमें अलग अलग ग्रेटिंग लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखने का है आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्म यू दैट, या उसकी जगह आप लिख सकते हैं आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू। ठीक है गाइस, अगर आपका ग्रामर अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो आपके और इसको इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। आप गूगल करिए, उसमें से आपको और ज़्यादा इसमें ग्रेटिंग लाइंस या फिर स्टार्टिंग में मेल को कैसे लिखते हो उसको आपका पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है गाइज, उसके बाद में लिखने का टुडे आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड, आई हैव कंप्लीटेड, या फिर जो भी उस रिलेटेड आप काम करते हो उस बेस पे आप अपने इस वर्ड को चूज़ करिएगा। उसके बाद में अपने टास्क का नेम होता है वो भी आप यहाँ पर रख सकते गाइज। इससे क्या होगा कि अगर आपका इंग्लिश का वर्ड नॉलेज, डिक्शनरी पावर, वो भी तो तेज़ होगा ही। ठीक है, और साथ में आपका इसका मेल का पूरा फॉर्मेट है वो भी आपको अच्छे से पता चलेगा, कहाँ पे कॉमा लगाने का है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने का, कहाँ पे डॉट लगाने का, वो भी आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है गाइस, तो हेलो सर मैम, होप यू आर डूइंग वेल, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट, ये सब आप अपने वाइज इनको चूज़ कर सकते हो और एक यूज़ करने का वहाँ पे। ठीक है, टुडे आई हैव डन फॉलोइंग टास्क, आई हैव डन कंप्लीटेड क्रिएटेड फॉलो, जो भी आपके टास्क नेम हो। ठीक है, इन XYZ प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना
कि आप इस लिंक पे या फिर इस जगह पे आप इसको मेरे काम को रिव्यू कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिव्यू ऑन फॉलोइंग लिंक्स, मतलब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और आज के किए गए टास्क को आप देखें, ठीक है। उसके बाद अपने उस टास्क का आपका लिंक वहाँ पे नीचे रख देने का है, जो भी होगा आपका xyz.com या लोकल सर्वर जहाँ पे भी आपका रखा हुआ है उसका आपने वहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया गाइस, ठीक है। उसके बाद में आपको सर को ये बताना है, फील फ्री करवाना है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी डाउट, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसके बाद में, ठीक है गाइस। और आप ये भी बता सकते हैं कि कल मेरे पास में क्या काम है, कल मैं क्या काम स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर मैं फ्री हूँ तो आप मुझे कल दूसरा टास्क दे सकते हो, तो इसमें आप वो भी मेंशन कर सकते हो। टुमारो आई विल स्टार्ट वर्क ऑन xyz प्रोजेक्ट या ABC प्रोजेक्ट, जो भी दूसरा प्रोजेक्ट है या फिर सेम प्रोजेक्ट, उस पर आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है गाइस। तो इसमें भी आप ये कर सकते हो। उसके बाद में सबसे नीचे लिखने का थैंक्स, आपका नेम जो भी है आपका नेम वो आप यहाँ पे नेम रख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि टुमारो आई विल स्टार्ट वर्क ऑन, उसके बाद लिख सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी और रीच मी, ठीक है। उसके बाद आपका योर थैंक्स, योर नेम, योर पोजीशन, योर आपका कॉन्टेक्ट करने की जो भी हो, स्काइप आईडी हो, ईमेल आईडी हो, जो भी हो वो आप यहाँ पे सबसे नीचे मेंशन कर दीजिएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें आपको कोई भी कैसा भी टास्क होगा तो आप इसमें इजीली इसको फिल कर सकते हैं और अपने बॉस को हमेशा भेजते रहिए, बॉस को अलग अलग वेरिएशन में भेजिए। आई एम वेरी डाउन श्योर कि आपका बॉस एक दिन एक जरूर इम्प्रेस होगा, क्योंकि आप डेली टास्क फिल कर रहे हो, उनको सभी बता रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है कि अपने आप बॉस को इम्प्रेस करें डेली टास्क रिपोर्ट फिल करके, ठीक है गाइस। और आपने ये डेली टास्क रिपोर्ट फिल किया, अगर आपके कोई ग्रामर मिस्टेक है तो उसको आप गूगल पे जाइए, वहाँ से पूरा कॉपी करिए और ग्रामरली वेबसाइट है उसके ऊपर आप वहाँ पे पेस्ट कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कहीं मेरे ग्रामरली मिस्टेक तो है नहीं, कहीं मेरा जो मेल लिखा वहाँ पे पूरा चेक कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे पूरा बताएगा, कहीं मिस्टेक हो गया तो वहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी अंडरलाइन में, इसमें है नहीं तो नहीं आई, ठीक है गाइज। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है गाइज। तो आप ये सब फॉलो कीजिएगा और एक अच्छा मेल लिखिएगा गाइज, ठीक है।